वाओ, ये देख रहे होंगे आप, सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये मैंने क्या बनाया है। तो ये देखने के लिए आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना है। आपको बस सिर्फ घर में बेसन होने की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, ये मैंने बेसन से ये सब्जी बनाई है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमली व्लॉग्स ऑल। चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने बेसन लिया है, इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं। इसको ऐसे कर करके घोलना है। देखिए अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाओ, तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मैंने 1 गिलास पानी और ऐड किया है इसमें। इसे बिल्कुल पतला रखना है हमें। अच्छे से घोलते रहेंगे। थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। बिल्कुल, मतलब इसको बिल्कुल पतला ही रखना है हमें, ज़्यादा एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। देखिए ये कैसा हो गया है, एक बार देख लीजिए। ऐसे ही आपको रखना है। आइए बनाने स्टार्ट। इसको अब हमने गैस पर रख दिया है। गैस को फुल रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे, ऐसे ही चलाते रहना है। देखिए, अब देखिए बिल्कुल कैड़ा हो गया है। अच्छे से इसे जल्दी जल्दी मिक्स करना है हमें। देखिए ऐसे करते रहिए, ऐसे ही चलाते रहना है, चलाते रहना है। देखिए बिल्कुल, ये अब बिल्कुल कैड़ा हो गया है। ये देखिए अब ये बिल्कुल बन चुका है, रेडी है। सारे गुड़ी फोड़ दिया, देखिए ऐसा हो चुका है, ये थोड़ा कैड़ा कैड़ा। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसमें हमने तेल लगा लिया है। अब हम इसको इसके अंदर ऐसे करके फैला देंगे। ये देखिए, ये हमने प्लेट में इसको फैला लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अब इसको थोड़ा देखिए ऐसे करके, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब इसको ठंडा होने दें। अब चाकू लेके हम ऐसे कर करके इसके कतले कर देंगे। लंबे लंबे करेंगे। अब इसको आड़ा काटेंगे। ये देखिए कट गए हैं। हमें ऐसे ऐसे पीस बना लेने हैं इसके। वाओ, ये देखिए बारीक बारीक कतलियां काट लिए हैं। आपको भी ऐसे ही काटनी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं, बट हम आपको इसकी सब्जी बनानी सिखा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अब इनकी सब्जी कैसे बनेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है। इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड ऑयल डालना है, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ऑयल को होने देंगे। इसमें अब हम जीरा ऐड करेंगे। जीरे की क्वांटिटी भी हमें ज़्यादा ही रखनी है। ये देखिए मैं कितना सारा जीरा गिर रही हूँ। जीरे का टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। जीरा भुन चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब हम ये प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे धीमी आंच पे। अब इसको पकने देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे।
दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच हरा धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे हुए टमाटर, स्वाद अनुसार नमक एक चम्मच डाल रही हूँ मैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक धीमी आंच पे मसाले को भूनने देंगे। देखिए अब हमारा मसाला भी बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, रेडी है। आइए हम इसमें अपने पीसेस को ऐड करते हैं। देखिए ये रहे हमारे पीसेस, हमें इस वाले पैटिसिन को ऐड करने हैं, वरना ये टूट जाते हैं, वैसे इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए वाओ, आराम आराम से इसको ऐसे मिक्स कर देंगे बिना। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, वाओ। आधा गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देंगे। अब देखिए ये बिल्कुल रेडी है, हमने इनको 2 मिनट तक धीमी आंच पे पकाया था। आइए अब गर्मा गर्म सर्व करते हैं। पहले इनके ऊपर सर्व करने से पहले हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। वाओ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आइए अब सर्व करते हैं। देखिए गर्मा गर्म सर्व कर दिए हैं, आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। लौटेंगे फिर दूसरी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।